गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे फ्लो कंट्रोल। डेटा लिंक लेयर का मुख्य कार्यों में से एक होता है आपका फ्लो को कंट्रोल करना, जिसे फ्लो कंट्रोल कहते हैं। फ्लो कंट्रोल जो है दो प्रकार का होगा, अभी मैं डेफिनेशन ही बताऊंगा, टाइप ही बताऊंगा, लेकिन जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा। फ्लो कंट्रोल क्या होता है डेफिनेशन बताऊँगा, कैसे वर्क करता है बताऊँगा। ये दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक पे आज बात करेंगे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की। मैं थोड़ा सा सिलेबस भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये है हमारा सिलेबस डेटा लिंक लेयर, जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं फ्लो कंट्रोल की। ये देखिए, सामने आपको दिख रहा होगा स्टॉप एंड वेट एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्लो कंट्रोल और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, फ्लो कंट्रोल क्या होता है, उसका टाइप और उसका वर्किंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है, फ्लो को कंट्रोल करना मतलब बहाव जो है उसको कंट्रोल करना। अब यहाँ पे बहाव, पानी की बहाव की बात नहीं हो रही भाई। डेटा को ट्रांसमिशन करने के दौरान एक फ्लो होता है, डेटा को सेंड करने के लिए एक जो है, एक हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो जो हम फ्रेम बना रहे हैं, मैंने फ्रेम ही क्यों कहा क्योंकि मैं डेटा लिंक लेयर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर डेटा जो है फ्रेम के फॉर्म में होता है। तो फ्रेम को जब सेंड करता है, ये देखिए मैं कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये मेरा सेंडर है और यहाँ कहीं पर एक रिसीवर है। अब आप डेटा जो सेंड कर रहे, ये देखिए कुछ इस प्रकार से फ्रेम बना के आप ऐसे भेज रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आपने जैसे ये चार पैकेट भेज तो दिया, बट रिसीवर की जो देखिए आपकी सेंड करने की स्पीड है, मान लो 4 MB है ना, MB में आपका नेट की स्पीड चल रहा है, बट जो रिसीवर है भाई उसकी स्पीड है 1 MB की। आपने चार पैकेट भेज दिया 1 MB का, अब ये बंदा तो एक बार में केवल 1 MB रिसीव कर पाएगा ना, मतलब पहला वाला रिसीव कर रहा था, ये 3 भी पहुँच गए, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, आपका डेटा जो है लॉस्ट हो जाएगा, मतलब आपका डेटा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि एक बार में केवल 1 MB का रिसीव करने की क्षमता रखता है, समझ रहे हैं क्या। तो देखिए, डेटा का जो आपका जो फ्लो था, बहाव था, सेंडर की स्पीड ज़्यादा 4 MB की थी और रिसीवर की स्पीड 1 MB की थी, तो आपका जो 3 जो फ्रेम बनाया था आपने, वो बेटा आपका क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, या यूँ कहें आपका डेटा ख़राब हो गया। तो ये है आपका डेटा को जो है ट्रांसमिशन करने का तरीका। तो इसी को कैसे फ्लो करें ताकि हमारा डेटा का नुकसान ना हो, तो फ्लो कंट्रोल द्वारा डेटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल किया जाता है। यानी अगर आप ट्रांसमिशन फास्ट कर रहे हैं, जो सेंडर है ना उसकी ट्रांसमिशन करने की जो स्पीड है वो फास्ट है, तेज गति से सेंड कर रहा है, और जो रिसीविंग नोड है मतलब जो प्राप्त करता है उसकी गति कैसी है, स्लो है भाई, धीमा है, धीमी गति से है, तो इस स्थिति में क्या होगा, रिसीवर के तरफ कुछ इस प्रकार से बहुत सारे फ्रेम एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाएगा। फिर ऐसे फिर से वो चार भेजेगा, फिर ऐसे चार से भेजेगा, तो यहाँ पे देखिए एकदम एक ट्रैफिक जाम हो जा रहा है। और होगा क्या कि रिसीवर की जितनी क्षमता है भाई, वो एक प्राप्त करेगा, फिर 3 नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एक समय अंतराल भी रहता है कि इतने समय में ही आपको उसको रिसीव करना है, ठीक है क्या। तो ट्रैफिक जाम की जो समस्या हो तो उत्पन्न होती है, साथ साथ जितना पैकेट वो रिसीव कर पाता उतना रिसीव करेगा, और जो बच जाएगा वो बेटा आपका क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, वो डिस्कार्ड कर देगा उसको, और वो लॉस्ट हो जाएगा, मतलब उसको नुकसान हो जाएगा, ठीक है क्या। ऐसे में फ्लो कंट्रोल द्वारा गति को समान बनाकर रखा जाता है, समान बनाकर रखा जाता है, मतलब सेंडर जो है वो रिसीवर से पूछेगा भाई कि तुम कितना फ्रेम एक बार में रिसीव कर सकते हो, आपकी स्पीड कितनी, वो कहेगा भैया 1 MB का एक एक फ्रेम बना के भेजो, तो 1 MB का फ्रेम बना के भेजेगा, बोलेगा दो दो का, मतलब दोनों का क्या होना चाहिए, जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये मुख्य काम होता है फ्लो कंट्रोल का। दो प्रकार का होता है हमारा टेक्निक, एक होता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, दूसरा होता है आपका स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। तो आज की क्लास में बात करेंगे हम लोग पहला वाला, क्लियर है क्या। इससे पहले मैंने अभी, ये हमारा एक प्रकार का भी हम कार्य देख रहे हैं फ्लो कंट्रोल, इससे जस्ट पहले हम लोगों ने देखा था एरर करेक्शन और डिटेक्शन। तो यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं लिंक दे देता हूँ, आप उसको भी जाके एक बार देख लीजिएगा। तीनों प्रकार मैंने वहाँ पर डिस्कस कर लिया, चेकसम, CRC और हेमिंग, और रिविजन जरूर करते रहिएगा, ठीक है क्या। तो देखिए, आज हम बात करेंगे स्टॉप एंड वेट की। तो नाम पे सबसे पहले फोकस किया करो, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है ना बेटा, वो ऐसे ऐसे ही नहीं रख दिया जाता है, तो उसका जो काम होता है ना वो बिल्कुल नाम से कोरिलेट करके रखा जाता है। जैसे इसको देखिए, स्टॉप एंड वेट, यदि हम इसको हिंदी मीनिंग जाने, मतलब इसका डिक्शनरी मीनिंग जानना की कोशिश करें, तो स्टॉप कहता है रुको और वेट करो, मतलब आप क्या करो, प्रतीक्षा करो, इंतज़ार करो, ऐसा,
कुछ इस प्रकार से मीनिंग निकलता है। इसी पर आधारित है आपका डेफिनेशन। तो पहले नाम का मतलब जान लिया करो और उसको डेफिनेशन से कैसे भी करके कोरिलेट करने की कोशिश किया करो। पहले देखिए, मैं इसको अलग अलग स्टेप में बताऊंगा। तो पहला जो इसका नाम, जो इसकी भूमिका है, जो बैकग्राउंड है, वो डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए, इसको मैंने हिंदी में लिख दिया रुको और प्रतीक्षा करो, स्टॉप एंड वेट। और इसको कभी कभी पुनः ट्रांसमिशन मतलब रीट्रांसमिशन के साथ एक पॉजिटिव पावती, पावती होता है आपका एक्नॉलेजमेंट। तो कहने का मतलब है कि जो स्टॉप एंड वेट है, वो यदि डेटा किसी कारण से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाया है तो उसको फिर से भेज दीजिए। मतलब आपने पहला पैकेट भेजा, ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाया रिसीवर तक, तो कोई बात नहीं, इसको दोबारा भेजेंगे। दोबारा नहीं पहुंचा तो क्या करेंगे, फिर से भेजेंगे। मतलब रीट्रांसमिशन बार बार उसको भेजते रहता है, तब तक भेजते रहता है जब तक सामने वाला ना बोल दे कि हाँ भाई मुझे डेटा मिल गया है, अब इसको आप मेरे को प्राप्त हो गया ये मुझे, अब आप दूसरा वाला पैकेट भेज सकते हो। समझिए क्या, ठीक है। क्या कहता है कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड में ही काम आएगा। मतलब ये जिसमें केबल से यदि दो सेंडर और रिसीवर आपस में जुड़े हुए हैं, केवल उस स्थिति में ही इसको हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन से लेयर में काम आता है, तो भैया डेटा लिंक लेयर में भी काम आता है, क्योंकि हम तो डेटा लिंक लेयर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट लेयर में भी काम आता है, ठीक है क्या। डेटा लिंक लेयर का तो कार्य है, तो डेटा लिंक लेयर में तो यूज़ हो गई होगा, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट लेयर में भी इसका उपयोग किया जाता है। काम कैसे करता है, हाउ दिस प्रोटोकॉल वर्क, ये जो प्रोटोकॉल है वो कैसे काम करता है, इस डायग्राम को अच्छे समझिएगा। क्योंकि ये डायग्राम यदि आपको याद रहेगा तो आपको जो है थ्योरी को रटने की आवश्यकता नहीं, आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे। ये देखिए बेटा, एक सेंडर है, इधर एक रिसीवर है। अब देखिए, इन दोनों के बीच में ये बात हुआ है कि भाई हम आप हमें डेटा सेंड करिएगा, ठीक है। तो किस प्रकार से डेटा सेंड होगा, एक एक करके समझते हैं। ये देखिए, जो नीले कलर की जो आपको ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये देखिए, ये नीले कलर की जो लाइन दिख रही है ना, वो है, वो आपको पैकेट को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है बेटा, पैकेट को। ये देखो, एक एक पैकेट ऐसे ये। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ भाई, कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि डाटा लिंक लेयर है, यहाँ तो फ्रेम होता है, फिर सर आपने पैकेट क्यों लिखा है, ऐसे मन में क्वेश्चन उठता है। यदि उठ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके मन में यदि डाउट उठ रहा है, मतलब एक अच्छा एक सिम्टम्स है कि आप जो है पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। बट यहाँ पे बेटा, मैं ये जो छोटे छोटे ये जो मैं जो डेटा को भेज रहा हूँ, छोटे छोटे पैकेट में भेज रहा हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पे पैकेट लिख दिया, तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि फ्रेम क्यों नहीं लिखा करके। कुल मिला के वो डेटा भेज रहा है, ठीक है, या यूँ कहें कि डेटा वन भेज रहा है। ये देखिए, उसने डेटा जीरो भेजा, मतलब हम यहाँ पे मतलब ये है जी कि पहले पहला डेटा भेजा, फिर ऐसे, तो उसको मैंने ऐसा जीरो लिख दिया है, तो वहाँ पे भी आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। आप उसको पैकेट वन, पैकेट टू, पैकेट थ्री भी लिख सकते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। क्लियर है क्या। ये देखिए, पहला एक वो जो है पैकेट भेजा, ठीक है। अब ये लाइन पूरी की पूरी देखो, सेंडर से निकला और रिसीवर तक ऐसे वो पहुँच गया। चलो मैं ये आपको ब्लू लाइन ही ले लेता हूँ। ये देखिए, ये पैकेट यहाँ गया और यहाँ पर पहुँच गया। तब रिसीवर क्या करेगा, ये जो है सेंडर कहता है कि मैं आपको एक पैकेट भेजूंगा, यदि वो आपको प्राप्त हो जाता है तो आप मुझे बता दीजिए कि हाँ भाई मैंने प्राप्त कर लिया है। जैसे याद होगा पहले, अभी क्या होता है, अभी तो सब जितने भी एग्ज़ाम वगैरह है वो ऑनलाइन होता है, तो जो लोगों को पता होगा कि हम जब गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो आपको एक जो है इनवलप डालने के लिए बोला जाता है उसमें, कि भाई आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके अंदर आपका अपना खुद का पता लिखा हुआ एक लिफाफा अंदर डाल दें, ताकि जब वो हमें प्राप्त हो तो हम उसको आपको एक्नॉलेजमेंट या प्रवेश पत्र वगैरह जो है ना उसी पौती में, मतलब जो आप लिफाफा डाल देते ना उसी के अंदर डाल के आपको वापस भेज देते थे, आप ही के लिफाफा में आप ही का मतलब प्रवेश पत्र को, ऐसा होता था। बट यदि आप लोगों को ये नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये देखिए, हमने ऐसे एक पैकेट भेजा और जैसे ही इसको प्राप्त हुआ, देखो रेड कलर से वो आपको पावती भेज रहा है कि भैया ये लीजिए पावती, आपका डेटा पहुंच चुका है, अब आप दूसरा पैकेट भेज दीजिए। फिर से देखिए, ये देखिए ये क्या कर रहा है, वो नीले कलर से फिर से देखो पैकेट भेजा, ये प्राप्त हो गया, तो वो फिर से क्या करेगा, पावती भेजेगा कि हाँ भैया ये भी आपका हमारा पैकेट जो आपने हमें भेजा था वो प्राप्त हो गया, अब आप नेक्स्ट भेज दीजिए। तो फिर से क्या करेगा, वो फिर से ऐसे भेजेगा और ऐसे तब तक चलते रहेगा जब तक सेंडर के पास डेटा सेंड करने के लिए बचा हुआ है। एक बार जब पूरा का पूरा डेटा सेंड हो जाएगा, वो क्या करेंगे, इसको बंद कर लेंगे। क्लियर है क्या। चलिए, तो अब इसको मैं थोड़ा सा थ्योरी को भी आपको बता देता हूँ। देखिए, नॉर्मल ऑपरेशन है, सामान्य स्थिति में होता क्या है, तो सामान्य स्थिति में क्या होता है, एक पैकेट सेंड करने के बाद सेंडर अगले पैकेट को सेंड करने के लिए एग्नॉलेजमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ACK कहते हैं, एग्नॉलेजमेंट, या उसी को हम लोग पावती कहते हैं, उसका इंतजार करता है। समझे कि नहीं समझे। पहले आप सेंडर क्या करेगा, एक पैकेट भेजेगा, पैकेट भेजने के बाद वो वेट करेगा, डेटा सेंड करने के बाद स्टॉप हो गया, स्टॉप रुक गया, वेट कर रहा है किस चीज़ का, पावती का। पावती किस चीज़ का, पावती कि हाँ भैया हमने जो डेटा भेजा है वो 100% रिसीवर तक पहुंच गया है, इसी चीज़ को वो वेट कर रहा है कि हाँ पहुंच गया है तो ठीक है, मैं दूसरा डेटा सेंड करता हूँ। इस तरह से सेंडर या स्वीकार कर सकता है कि पिछले पैकेट सफलतापूर्वक ट्रांसफ़र हो गया है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्टॉप एंड वेट है, जिसको हम लोग हिंदी में रुको और प्रतीक्षा करो, एक विश्वसनीय मतलब भरोसेमंद डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो है इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
और ये इस बात की गारंटी लेता है कि जो भी डेटा आपने भेजा है वो सफलतापूर्वक रिसीवर को प्राप्त हो चुका है। डेटा पैकेट को भेजने की ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो तब तक चलते रहता है बेटा जब तक जो है सेंडर के पास डेटा भेजने के लिए रहता है। एक बार जब पूरा का पूरा डेटा सेंड हो जाता है और ये जो है प्रोसेस को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्लियर है क्या? ये सामान्य स्थिति है कि डेटा भेजे, भेजने के बाद हम स्टॉप हो गए और वेट करने लगे कि भैया हाँ तुम पहले कन्फर्मेशन दो, एक एक्नॉलेजमेंट दो कि आपको डेटा मिल चुका है। अब इसी के एक दूसरे स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति है जब टाइम आउट वाली स्थिति। टाइम आउट का मतलब क्या है कि देखिए, मैंने डेटा सेंड किया और मैंने रिसीवर को कहा कि भैया आपको एक मिनट के अंदर इस पैकेट को रिसीव करना है। यदि एक मिनट के अंदर, मतलब एक टाइम के साथ भेज रहे हो, एक समय अंतराल दे दिया कि इतने ही समय में आपको उसको प्राप्त करना है। तो देखिए क्या कहता है कि आपका जो सेंडर है वो एक निश्चित समय के बाद जो भी पैकेट भेजा था उसको एक्नॉलेजमेंट यदि उसको प्राप्त नहीं हुआ, मैंने कहा भाई मैं भेजा, एक मिनट में आपने यदि मुझे पावती नहीं दिया, ये रिस्पांस नहीं दिया, तो मैं क्या करूँगा, सेम उसी पैकेट को आपको दोबारा सेंड करूँगा। ये जो है टाइम आउट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि एक निश्चित समय के बाद यदि आप मुझे पावती नहीं देते हैं या मुझे पावती प्राप्त नहीं होता है तो मैं उसको टाइम आउट समझूंगा और उस पैकेट को पुनः सेंड करूंगा। समझ गया क्या? तो ये देखिए, आप पहले इधर फोकस करिए, इधर वाला जो लेफ्ट वाला डायग्राम है, ये लेफ्ट डायग्राम है, ये राइट डायग्राम है। सेंडर ने डेटा सेंड किया, ब्लू लाइन दिख रही है, पूरी की पूरी पहुंच गई। अब क्या हुआ, रिसीवर को वो प्राप्त तो हो गया, बट रिसीवर भेज ही रहा था एक्नॉलेजमेंट, बट किसी कारण से वो उस समय अंतराल में, देख लीजिए ये टाइम आउट वाली स्थिति, इधर आप देखिए, ये देखिए, इधर देखिए, यहाँ तक उसको समय दिया गया था, यहाँ तक, बट आप देख पा रहे होंगे रेड लाइन जो है, ये देखिए हमारा जो पावती वो निकल तो जरूर गया था बेटा, लेकिन उस समय में नहीं पहुंच पाया, मतलब एक मिनट के अंदर नहीं पहुंच पाया। तो जैसा कि नियम है, सेंडर क्या करेगा, उसी पैकेट को दोबारा फिर से सेंड करेगा। ये देखिए फिर से भेजा बेटा उसको, अब इस टाइम पे रिसीवर ने आपको पावती दिया और पावती पहुंच गया, मतलब पहला पैकेट पूरी की पूरी अच्छे से रिसीवर तक पहुंच गई है। अब आप चाहें तो दूसरा पैकेट भेज सकते हैं। ये पहले स्थिति में क्या हुआ है, देखो सेंडर को एक्नॉलेजमेंट पावती प्राप्त नहीं होता है, उसका दो कारण हो सकता है। एक कारण क्या होता है कि भैया रिसीवर को डेटा तो प्राप्त हो गया था, बट एक्नॉलेजमेंट जो है वो रास्ते में ही खराब, मतलब रास्ते में ही क्या हो गया, टाइम आउट हो गया, मतलब आप तक एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचा, इसीलिए वो क्या करेगा, उसको दोबारा फिर से सेंड करेगा। एक स्थिति और देखिए, दूसरी स्थिति राइट वाला डायग्राम पे फोकस करेंगे। सेंडर ने पैकेट सेंड कर दिया और वो बेफिक्र होकर बैठा रहा कि भैया मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तो मैं दूसरा भेजूंगा, बट आप देख पा रहे होंगे आपका पैकेट यहीं पे रुक गया बेटा। ये देखो पैकेट पहुंचा ही नहीं है रिसीवर तक। तो भाई जब पैकेट पहुंचेगा नहीं तो वो क्या एक्नॉलेजमेंट देगा, कुछ दे सकता है क्या, नहीं देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना ये जो टाइम निर्धारण किया था उस समय तक वो वेट करेगा, जब उसको लगा कि भाई मेरे पास तो एक्नॉलेजमेंट आया नहीं है, वो क्या करेगा, दोबारा पैकेट को सेंड करेगा। तो टाइम आउट का दो स्थिति समझ में आया। पहला स्थिति में इसको मैं फोकस कर रहा हूँ, एक तब होता है जब एक्नॉलेजमेंट खो जाता है, देखिए एक्नॉलेजमेंट रास्ते में कहीं पर ख़राब हो गया, नहीं पहुँचा। दूसरा, जब फ्रेम खुद ही ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, देखिए एक बार पैकेट पहुँचा जरूर बट एक्नॉलेजमेंट ख़राब, दूसरे में पैकेट पहुँचा ही नहीं, तो उस स्थिति में भी आपका टाइम आउट हो जाता है और उसको दोबारा सेंड करना पड़ता है। देखिए दोबारा भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा और आपका डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब इसका कुछ फायदा और मैं नुकसान बता देता हूँ आपको। तो फायदा क्या, देखिए पहले मैं फायदा बताता हूँ। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब बेटा शुद्धता, मतलब मैं यदि आपको 5 पैकेट भेज रहा हूँ तो पूरे के पूरे 5 पैकेट आप तक एग्जैक्ट 100% प्योर डेटा, ओरिजिनल डेटा जो मैं भेज रहा हूँ वो आप तक पहुँचेगा। कैसे होता है, क्योंकि भैया ये कहता है कि मैं पहले पैकेट को भेजूंगा और भेजने के बाद एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा, एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद ही वो दूसरा भेजता है। तो इस प्रकार से देखिए आपका डेटा कभी भी लास्ट होगा क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पहला भेजेगा, वेट करेगा, जब पावती मिलेगा कि हाँ पहुँच गया, तब वो दूसरा भेजेगा। इस प्रकार से एक्यूरेसी जो है इसका मुख्य एडवांटेज है। दूसरा, अब इसमें बात करते हैं, फायदा तो देख लिया, नुकसान, तो नुकसान यह भाई कि समय की कोई सीमा नहीं है, समय की कोई सीमा माफ़ करिएगा, समय की कोई सीमा नहीं है। ये देखो यदि आप टाइम आउट नहीं लगाते हैं तो ये भेज दिया, वेट कर रहा है, लेकिन हाँ यदि टाइमर लगाए हैं तो आ गया, उसमें भी चलो टाइमर भी लगा रहे हो तब भी भाई मेरा डेटा ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप भेज दिए ये एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, फिर भेज दिए, तो ये जो है एक जो है टाइम जो है कंज्यूमर है, मतलब बहुत टाइम कंज्यूम करके रखता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें समय का
मतलब कोई लिमिट ही नहीं है जी। कहने का मतलब यह है, डेटा पैकेट के ट्रांसमिशन करने की गति बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। भेज दिया, बैठा है रहता है, जब तक ना आ जाए अगला पैकेट तब तक नहीं भेज सकता जब तक सामने वाला एक्नॉलेजमेंट ना दे दे। तो कई बार आप तक आपसे ही डेटा निकल जाता है, रास्ते में ख़राब हो जाता है, उसमें टाइम नुकसान होता है। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ तक तो पहुँच तो गया था बट आपका एक्नॉलेजमेंट रास्ते में ख़राब हो गया। तो एक ही डेटा को कई बार ऐसा होता है कि 10 बार भी भेजना पड़ जाता है या 10 बार उसके से आप तक एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होता ही नहीं है। तो ये किसका जो है नुकसान है, डिसएडवांटेज है कि समय जो है इनफाइनाइट लग सकता है। इनफाइनाइट मतलब कोई सीमित ही नहीं है समय का, ठीक है क्या? तो लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है। ये एक छोटा सा नुकसान है और फ़ायदा तो आपको पता ही है, ठीक है? तो ये था हमारा फ्लो कंट्रोल का एक टेक्निक। इसके बाद मैं आपको स्लाइडिंग विंडो बताऊंगा कल के लेक्चर में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं दोनों के एक साथ इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगा आपको दूसरा वाला समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें सिमिलर है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।